अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर भीषण युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। रूस और अमेरिका के बाद अब टर्की इस जंग को रोकने की पहल में जुटा है। टर्की का राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो रूस के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि शुरुआत से ही टर्की पर यह आरोप लग रहा है कि वह न सिर्फ लड़ाई को भड़का रहा है बल्कि अजरबैजान में अपनी सेना भेजने के लिए भी तैयार है। Ve biz samimiyiz. Ben sizin de samimi olduğunuza inanıyorum. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki inşallah bunu neticelendiririz. अब तक रूस और अमेरिका की शांति बहाली की कोशिशों के बावजूद नागोर्नो काराबाख इलाके से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि लड़ाई में आर्मेनिया की सेना कुर्द लड़ाकों की मदद ले रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई में मध्य पूर्व के लड़ाकों की बढ़ती भागीदारी पर चिंता जताई है। अजरबैजान ने साफ कर दिया है कि उसे नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया का नियंत्रण कतई मंजूर नहीं है और आर्मेनिया के नियंत्रण को मंजूरी देने वाले किसी भी समझौता का हिस्सा नहीं बनेगा वो।